हेलो गाइस, आज हम फॉक्सकॉन का मदरबोर्ड लाए हैं आपके सामने। एक और नया फॉल्ट लेके आए हैं, तो देखिए हमने इसमें रैम वगैरह लगा दिए और एनालाइजर डायग्नोस्टिक कार्ड इसे बोलते हैं, आपको इतना तो पता होगा ही। और ये सब चीज़ कनेक्ट करके अब हम ऑन करते हैं, ठीक है। SMPS से पावर हमने दे दिया है इसको, और यहाँ से पैनल से शॉर्ट करके ऑन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हमने जो एनालाइजर इसमें लगा रखा है, ये कोडिंग बार बार D0 से कोडिंग हो करके C7 से फिर रिपीट होता है। तो इस प्रॉब्लम में देखिए गाइज, हम क्या करते हैं, इसमें कोई मदरबोर्ड का वैसे कोई एक्चुअल में कोई वैसे फॉल्ट है नहीं, बट इसमें क्या होता है, ये देखिए इसमें दो रैम सेक्शन दिए हैं, ठीक है। ये जो आपका लेफ्ट वाला रैम सेक्शन है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है रैम में, ठीक है। तो गाइज अभी हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियरली बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो मैं आपको आप ही के सामने इसको देखो बंद करता हूँ, और जस्ट अभी ये रैम स्लॉट को चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम दूसरे स्लॉट में इस रैम को लगाएंगे प्रॉपर तरीके से, और जो इसके लॉक हैं इनको भी लगा देंगे। और देखिए फिर SMPS को ऑन करके और मदरबोर्ड को शॉर्ट करके ऑन करता हूँ, तो देखिए अब फिर आपकी ये कोडिंग देखो धीरे धीरे बढ़ने लगी, और आपका ये 38 पे, ये 78 पे, और देखिए ये डिस्प्ले आपका आने वाला है, ये आ गया आपका डिस्प्ले, ओके ये आ गया, ओके। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ऐसे आपको मस्त से मस्त वीडियो दिखाएंगे, और शॉर्ट में आपको सिखाएंगे कि मदरबोर्ड को कैसे रिपेयर करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।